की खास खबर से। लखनऊ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ाई जा रही है धज्जियां। अवैध रूप से सजी मांस की दुकानें, लखनऊ थाना गुडब्बा के अंतर्गत टेढ़ी पुलिया चौराहे पर सजी मांस की मंडी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बहुत पहले से ही मीट की दुकानों के लिए कुछ आदेश जारी किए थे, लेकिन इनका अब भी प्रदेश में सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी में मीट की दुकानों के संचालन के लिए 17 बिंदुओं पर आधारित एक गाइडलाइन जारी की थी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार को जेल हो सकती है। जानिए क्या है नियम, इन शर्तों को करना होगा पूरा तभी खुलेगी दुकानें। नंबर एक, मीट की दुकान धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी पर हो, धार्मिक स्थल के मेन गेट से 100 मीटर की दूरी हो। नंबर दो, मीट की दुकान सब्जी या मछली की दुकान के पास नहीं होगी। नंबर तीन, मीट दुकान के अंदर जानवर या पक्षी नहीं काटे जाएंगे। नंबर चार, मीट की दुकानों पर काम करने वालों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा। नंबर पाँच, मीट की क्वालिटी पशु डॉक्टर से प्रमाणित करवानी होगी। नंबर छः, शहरी इलाकों में सर्किल अफसर, नगर निगम और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से NOC लेनी होगी। नंबर सात, ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत सर्किल अफसर और FSDA NOC देंगे। नंबर आठ, मीट दुकानदार बीमार या प्रेग्नेंट जानवर नहीं काट सकेंगे। नंबर नौ, मीट दुकानदार हर 6 महीने पर अपनी दुकान की सफ़ेदी करवाएंगे। नंबर 10, मीट काटने के चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के होंगे। नंबर 11, मीट दुकान में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होगी। नंबर 12, बूचड़ खाने से खरीदे गए मीट का पूरा हिसाब किताब रखना होगा। नंबर 13, मीट इंसुलेटेड फ्रीज़र वाली गाड़ियों में ही बूचड़ खानों से ढोया जाएगा। नंबर 14, मीट को जिस फ्रिज में रखा जाएगा उसका दरवाज़ा पारदर्शी होगा। नंबर 15, मीट की दुकान में गीज़र हो ज़रूरी होगा। नंबर 16, दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग ग्लास लगा हो ताकि किसी को मीट नज़र ना आए। नंबर 17, FSDA के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस रद्द हो जाएगा, लेकिन हकीकत में नियम को दरकिनार कर जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए दुकानें सजा रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।